सकते थे लेकिन यहाँ पे नीचे लोगों को आवाज़ जा रही थी बट एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग और बहुत टाइम के बाद में डांडिया के स्टेज पर आ रहे हैं जिसको हम गुजराती सनबर्न भी बोलते हैं और एक ट्रांस है एक मैडनेस है वो जब आप उस ग्राउंड पे होते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में होते हो तो मैं अभी से ही वो उस दुनिया में पहुँच चुका हूँ एंड आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए ज़रूर जियो वर्ल्ड गार्डन में आएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कितने फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या कुछ होने वाला है थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। सर जियो गार्डन बांद्रा में BKC पे है, अगर आप किसी भी सराउंडिंग में रहते हैं बहुत आसान है वहाँ पहुँचना और बसेस का इकोसिस्टम अच्छा है, ट्रेन्स अच्छी कनेक्टिविटी है और सब मतलब आसानी से पहुँच सकते हो। BKC में जियो गार्डन जो है सेंट्रल है और उसमें पार्किंग बढ़िया है अगर आप कार से आ रहे हैं। जियो गार्डन 8,000 से 9,000 लोग ले सकता है। ओके, तो हमारी कोशिश ये है कि डांडिया में थोड़ा सा हमें थोड़ा कम स्पेस मिलता है नाचने के लिए जगह थी तो 6,000 से 7,000 लोग रोज होंगे। हम उतनी ही टिकट बेच चुके हैं और उतनी ही टिकट और बची है। अगर हम ये चाहेंगे लोग जल्दी मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर सारी टिकटें ले लें आई थिंक तो हम बस सीधा क्लोजिंग करने वाले हैं कि टिकट्स बिक चुकी है। सो श्रुति मैम ऑलरेडी जो है गुड न्यूज़ आ चुकी है कि टिकट सारे बिक चुके हैं, क्या कुछ होने वाला है थोड़ा सा ये बताइए। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने वाला है, पहली बात तो धमाल करने वाले हैं एंड एज दीपक राइटली सेड कि ये वेन्यू एक्चुअली वेन्यू इन इटसेल्फ जियो गार्डन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेन्यूज इन द यू नो सिटी और बहुत ही कंफर्टेबल है, इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू और जैसे सब ने बताया कि बहुत इज़ अ क्यूरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, तो एक बहुत ही अच्छा अमेलगमेशन ऑफ आर्ट एंड यू नो आर्टिस्ट जो आजकल इंस्टाग्राम ट्रेंड भी है आर्ट एंड आर्टिस्ट, तो वो है। बहुत ही हम लोग एक्साइटेड है क्योंकि स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा धमाल होने वाली है। देर आर यू नो ऑल इन ऑल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस देर आर 25-30 पीपल ऑन स्टेज, तो आप एनर्जी लेवल्स आप ऑलरेडी सोच सकते हैं और यहाँ पे जो आपने ग्लिम्स देखा है वो तो एक्चुअली इट्स नॉट इवन 0.1%। फॉर दैट यू विल हैव टू कम टू जियो गार्डन फ्रॉम 20th to 24th टू विटनेस द मैजिक। सर जैसे दिव्या सर ने स्टार्टिंग में कहा कि आप जो है पूरी लीडरशिप का कमान संभाल रहे हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके ऊपर अगर इस बारे में? एक्चुअली मैं कुछ कहूँ, ये इतने अच्छे लीडर कि अभी नेक्स्ट इलेक्शन में भी नाम जा सकता है इनका। नहीं, आई थिंक एक कहावत है अंग्रेजी में, लीडर इज एज गुड एज हिज टीम, और ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब इतने गुणीजनों के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि जैसे श्रुति है, दिव्या है या दीपक भाई हैं, तो प्रोडक्शन को लेकर तो आई एम नॉट वरीड एनी वे बिकॉज वो एक ग्रैंडनेस जो हमारे प्रोडक्शन हाउस से भी एसोसिएट होता है लोगों का, वो तो हमें सोचना ही नहीं था। और एज फार एज सिंगिंग और क्यूरेशन का पार्ट आता है उसमें इतने बढ़िया कलाकार हमारे सब साथ हैं तो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि सब लोग आए 5 दिन अच्छे से खूब मस्ती करें मुंबई में, लोकेशन बढ़िया है,
आर्टिस्ट अच्छे हैं, क्यूरेशन अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा हो, और बस माता रानी के चरणों में हम लोग सब मिलकर 5 दिन ऐसा कुछ स्पेशल करें कि लोग हर साल इसके लिए दे शुड वेट कि कब द ग्रेट इंडियन दांडिया फेस्टिवल आ रहा है। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी मे डू 10 डेज, वी डोंट नो। सो द आइडिया इज टू हैव एवरीबॉडी फॉर 5 डेज एंड लेट एवरीबॉडी हैव अ गुड टाइम। आप दोनों से जानना चाहूंगा, हमने मुंबई में जब भी गरबा होता है तो ज्यादातर बॉलीवुड बजता है, तो इस साल क्या मतलब हर तरह के गाने एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे? जैसे दिव्या सर ने कहा था कि मराठी भी थोड़ा सा हम लोग ऐड करने वाले, अगर उस बारे में कुछ। सी आई थिंक ये फ्लेवर्स हैं जो कि वी आर नॉट ओनली टारगेटिंग द गुजराती ऑडियंस, यू नो, हम चाहते हैं कि अब डांडिया एक गुजराती फेस्टिवल नहीं रहा है, लाइक एवरीबडी इज एक्साइटेड, वो चाहे अलग यू नो भाषा बोलते हो, पर फिर भी सब गरबा हैज बिकम ग्लोबल नाउ, तो हम ऑडियंस को हर तरीके से हम केटर करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द ऑथेंटिसिटी एंड द एसेंस ऑफ गरबा, जो कि गरबा एक माता जी को डेडिकेशन होता है, डांडिया श्री कृष्ण को डेडिकेशन होता है, वो एसेंस और उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए वी वॉन्ट टू केटर टू एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस। आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर दिस यू नो इनिशिएशन इज। आई ऑल्सो थिंक मैंने पहले जहाँ पे डांडिया गया है वहाँ पे हिंदी बॉलीवुड गाने चलते नहीं थे, एंड लकीली मुझे वो मौका मिला था इनिशियल स्टेजेस पे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती गाने गाऊँ, और इस यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले डिस्कस यही किया था कि हम वो ही गाने लेंगे जो इस फेस्टिवल को सूट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आइटम नंबर हिट हो गया तो हम लोग उसको गाना जरूर करेंगे, तो वो ऑथेंटिसिटी, वो उसका जो उसकी जो प्योरिटी है उसको हम लोग मेनटेन करते हुए कुछ गाने ऐसे हैं जो डांडिया के फील के गाने, जो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही रिदम, क्योंकि डांडिया का एक पैटर्न होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके अंदर जो भी अच्छा गाना आपको कोई भी भाषा का दिखे तो आप वो गा सको, और उसके अंदर वो बातें होनी चाहिए जो उस माहौल को सूट करें, तो ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम श्योर हम लोग 90% गुजराती गाने गा रहे हैं, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग फैक्टर है, क्योंकि गुजराती ऑडियंस तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट गुजराती जैसे श्रुति ने कहा कि सबका फेस्टिवल हो गया डांडिया, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर उसके लिए है, क्योंकि अब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो कि रास गरबा हम लोग लोगों के सामने गाए। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जाएगा और क्या टिकट प्राइस होगी? सी टिकट प्राइस आज अगर लेंगे तो कम है, और यही प्राइस डबल हो जाएगा अगले 7 से 10 दिन के अंदर। दूसरा सिक्योरिटी, मतलब जियो में जाना जाता है कि अदर मतलब कई लेवल का है कि एंट्री में थोड़ा ईज होता है, अंदर आओगे तो कोई चीज़ अगर खो भी जाती है तो लॉस्ट एंड फाउंड इकोसिस्टम है, अगर और कोई हेल्प हो, बच्चा खो जाए, मतलब वो बहुत बढ़िया प्लानिंग होती है, वो जियो का साथ भी मिलता है, और वहाँ पे मतलब बढ़िया ढंग से आसान हो जाता है सब करना। थैंक यू। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दीपक भाई भी कहा था, बट मैं दोहराना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने टिकट प्राइसेस की बात करी, एक डांडिया एक एक्सपीरियंस है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो काफ़ी बार ना कुछ लोग चाहते हैं कि उनका एक प्राइवेट मतलब उनको एंजॉय सबके साथ करना है, लेकिन एक एक्सपीरियंस उनका प्राइवेट भी हो, तो देर इज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे विच इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस, जिसमें सो देर इज अल्ट्रा लग्जरी, देर इज VIP एंड देन देर इज कॉमन जो खेलियाज होते हैं उनके लिए, तो अल्ट्रा लग्जरी, और इसमें आपको मतलब बेहतरीन खाना भी अवेलेबल है, बेहतरीन एक्सपीरियंस भी है, और आपके लिए स्पेसिफिक स्पेशल डांस एरिया जो है, तो जहां पे आप बिल्कुल अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ 30-40 लोग भी अगर आए तो इट्स एन एक्सक्लूसिव स्पेस फॉर यू, सो इट्स लाइक हैविंग अ पर्सनल डांडिया स्पेस विद द बेस्ट आर्टिस्ट लाइनअप एट द सेम टाइम, तो ये सारी चीजें हमने ऐसे की है जिससे कि लोगों को एक अच्छा अनुभव मिले, सो इट्स समथिंग दैट वी आर प्लानिंग इन अ डिफरेंट वे।